एक साथ आप लोग देख सकते हैं चारों धाम। और यहाँ पे 40 फुट ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है और ब्रिज के ऊपर से लोग जा रहे हैं देखने। देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। और हम आ गए हैं आप लोगों को दुर्गा पूजा का पंडाल दिखाने चार धाम। ये देखिए चार धाम मेरे पीछे, देखिए आप लोग चारों धाम का दर्शन कीजिए बिना पैसा में। ये देखिए आप लोग चारों धाम का दर्शन कीजिए बिना पैसा में घर बैठे, और हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए। यह है कल्याणी में A9 स्क्वायर पार्क, और यहाँ का भीड़ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ का भीड़ आप लोग देख सकते हैं। एक साथ आप लोग देख सकते हैं चारों धाम। और यहाँ पे 40 फुट ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है और ब्रिज के ऊपर से लोग जा रहे हैं देखने। देखिए तो दोस्तों, देखिए चारों धाम बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, तो आप लोग देख सकते हैं भारत के चारों धाम। और यहाँ पे देखिए चारों धाम के सामने बहुत ही बड़ा एक शिवलिंग बना के रखा गया है यहाँ पे। और दोस्तों अभी देख रहे हैं कि ऊपर में कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना काफ़ी बाहर में इतना काफ़ी भीड़ है कि ऊपर में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना भीड़ है, इसलिए वहाँ पर अभी लोगों को ऊपर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। और देखिए ये बद्रीनाथ है, ये रामेश्वरम है, और वो जगन्नाथपुरी है, और ये द्वारका मंदिर है। तो दोस्तों ये देखिए पंडाल के अंदर के बाहर का नज़ारा, पंडाल के अंदर के नज़ारा। और देखिए यहाँ पे अभी पूजा हो रहा है और लोगों का भीड़ इतना है कि पंडाल में किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग आ रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, पंडाल में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, एक दो मिनट भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग पंडाल के अंदर सीलिंग, अंदर का डिज़ाइन देखिए आप लोग, पंडाल के अंदर का डिज़ाइन। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।